हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपका भाई आपको दिखाएगा कि कितना कुछ काम हुआ है बुलेट ट्रेन पे। और ये जो दिखाने वाला हूँ ना, ये दिखाने वाला हूँ सूरत बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होने वाला है। हीरो का शहर कहते हैं इसे, और वैसे भी कहते हैं कि सूरत एक ऐसी सिटी है जहाँ पर सूरत बदल ही जाती है सबकी। तो आज इसी सिटी में हम और आप देखने वाले हैं बुलेट ट्रेन का काम। सबसे पहला अपडेट सूरत मेट्रो का देखा था कि कितना कुछ काम हुआ है। अगर वो अपडेट नहीं देखा है तो भाई इस अपडेट को देख लो, उसके बाद सूरत मेट्रो का भी अपडेट देख लेना। लेकिन चलो चलते हैं, कितना कुछ काम हुआ है बुलेट ट्रेन का वो देखते हैं आज। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें और आपको साथ मिलकर इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। और वैसे भी जो बुलेट ट्रेन की परियोजना मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये तो बहुत लोगों की ड्रीम है भाई। मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि इस देश में बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी जल्दी से मिले, और वही आज हम और आप देखेंगे कि कितना काम हुआ है। चलो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है जो कि मुंबई और अहमदाबाद को आपस में कनेक्ट करेगी, उसका इसी जगह पर सूरत में स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सूरत जो कि दुनिया भर में अपने हीरो के लिए मशहूर है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सूरत बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होने वाला है उसका डिजाइन यहाँ के हीरो से इंस्पायर होने वाला है। और कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन होने वाला है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का। इससे पहले कि आपको दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है इसके बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, पहले आपको दिखाता हूं कि लास्ट जब इसका अपडेट दिखाया था तो उस वक्त पे कितना कुछ काम हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लास्ट अपडेट दिया था उस वक्त का है। और आज अगर आप देखेंगे इस स्टेशन के, आपको दिखेगा कि कॉन्कोर्स एरिया भी बनकर तैयार हो चुका है, और तो और प्लेटफॉर्म का भी एरिया बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही विशाल स्टेशन है ये। स्टेशन का निर्माण तेजी के साथ हो सके इसी वजह से कंपनी ने यहीं पर अपना एक छोटा सा कास्टिंग यार्ड भी सेटअप किया है, जिसकी मदद से तेजी के साथ यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इसी जगह पर आपको एक नहीं बल्कि चार आपको क्रेन्स दिखेंगे। इन क्रेनों की मदद से यहां पर तेजी के साथ जो पिलर को कनेक्ट करना है स्टेशन के, वो किया जा रहा है। और ये इस तरफ आगे जाएगा मुंबई की तरफ। इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ पिलर्स भी हैं अभी रिमेनिंग, जिनको कि बनाया जाना है। वैसे मैं बता दूं आपको, ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है ये 2027 में बनकर तैयार होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो काम बहुत तेजी के साथ यहाँ पर हो रहा है। और यहां पर ये जो रोड है जो कि करोदरा और सूरत को कनेक्ट करता है, इस रोड को ये क्रॉस करने वाला है। दोस्तों लास्ट टाइम यहां पर रोड के बीच में पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर पिलर बनकर तैयार है। अब तो यहां पर तैयारी की जा रही है पिलर कैप की, और इस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहां पर पिलर भी बनकर तैयार है और पिलर कैप का भी काम हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सोसाइटी देख रहे हो ना, इसी सोसाइटी के राइट हैंड साइड में होता हुआ ये आगे को जाने वाला है अहमदाबाद को, जहां पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन से मैं इसके एक और महत्वपूर्ण हिस्से पे आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों, जहां पर सबसे पहला जो स्टील का ब्रिज है ना वो इंस्टॉल किया गया है इस बुलेट ट्रेन परियोजना पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यह है नेशनल हाईवे नंबर 53, जिस पे बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे पहला स्टील ब्रिज का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परियोजना है दोस्तों, इस पे 28 यानी कि 28 स्टील ब्रिज लगाया जाना है, जिसमें से पहले ब्रिज का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 70,000 मीट्रिक टन
स्टील उपयोग में लाया जाना है स्टील ब्रिज को बनाने के लिए। और यह जानकर आपको खुशी होगी दोस्तों कि यह पहली बार है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने के लिए ट्रेन को डिजाइन किया गया सबसे पहला जो ब्रिज है वो यही है जो कि सक्सेसफुली यहां पर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, कमाल का यहां पर दृश्य होने वाला है। इस स्टील ब्रिज का निर्माण दोस्तों उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किया गया था। इस जगह से 1200 किलोमीटर दूर इस ब्रिज का निर्माण किया गया। ये जो स्टील ब्रिज है दोस्तों इसको यहां पर ये जो पिलर्स है जो कि जमीन से तकरीबन 10 से 12 मीटर ऊंचे है उस पे इंस्टॉल किया गया है। भारत का सबसे पहला स्टील ब्रिज है जो कि इंस्टॉल हो चुका है। देखने में यह नजारा बड़ा ही कमाल का है और ऐसे और 27 ब्रिज को इंस्टॉल किया जाना है और जैसे जैसे उसके इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसी ब्रिज के आगे अगर आप देखेंगे तो आपको एक लॉन्चर भी दिखेगा जिसकी मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम भी किया जा रहा है। और इसी तरफ है सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन और इस तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिलर को कनेक्ट करने का काम ही नहीं, आपको इस तरफ दिखेगा कि इस जगह पर साउंड प्रूफ जो वॉल इंस्टॉल करना है दोस्तों इस लाइन के ऊपर वो किया जा रहा है। बहुत ही हेवी स्ट्रक्चर है और ये इंस्टॉलेशन का जो काम है वो यहाँ पर क्रेन की मदद से टीम कर रही है। इस जगह पर जो ट्रेन है वो बहुत ही रफ्तार से दौड़ने वाली है तो इसी वजह से नॉइस को कम करने के लिए ये बैरियर लगाया जा रहा है, तो उसको आप नॉइस बैरियर भी कह सकते हो और इसी का इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर टीम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इनका कास्टिंग यार्ड भी दिखेगा और इस कास्टिंग यार्ड में अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको ढेर सारे क्रेन्स नजर आएंगे जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि काम बहुत तेजी के साथ इस पे किया जा रहा है। ऐसे नॉर्मली होता है कि 3 या 4 क्रेन आपको देखने को मिले लेकिन यहाँ पर 8 क्रेन है जिनकी मदद से इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो बना रहे ना ये बॉक्स गर्डर है जो कि पिलर को कनेक्ट करने में यूज किया जा रहा है और इसी का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इस कास्टिंग यार्ड में। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही है यहाँ पर वो हेलेंटी और उन्हीं के द्वारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस बुलेट ट्रेन का स्टेशन का जो अपडेट है वो आपको हर महीने में देने की कोशिश करूंगा। तो भाई ये था अपडेट सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का। जल्द ही मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ फिर से गुजरात में, क्योंकि अभी हमें और आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम देखने हैं कि गुजरात में कितना कुछ हुआ है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद और बुलेट ट्रेन, फिर मिलेंगे जल्द ही।